पहली गल तो मैं बहुत ज्यादा खुश हाँ कि मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट दे विच डिजायर्ड स्कोर आ गए। मेरी रिक्वायरमेंट 7 ही तो मेरे सारे दे विचों 7 तो वध ही आए ने। ये सर सिर्फ ढाडे करके पॉसिबल हो पाया। जिहड़ियां टिक्स एंड ट्रिक्स तुसीं दित्तियां सी, जिद्दां तुसीं एक्सप्लेन कीता, जिहड़ियां तुसीं होमवर्क दिंदे सी, मैं सारे कीते ते उहदे नाल ही मेरे रिक्वायर्ड बैंड आए ने। सर मार्केट दे विच होर भी सारे ट्यूटर ने जिहड़े पीटी क्लासेस हुंदियां ने जिन्हां दे पीटी दियां, पर उन्हां दियां क्लासेस मैं कदी ज्वाइन नहीं कीतियां कोई भी। मैं सिर्फ ढाडे कमाया क्योंकि मैनूं मेरे फ्रेंड ने कहा सी कि जे तुहानूं पहले टाइम तो मेरे बैंड चाहिए थे, सिंह पीटी को चल जा, उन्होंने तो वधिया कोई नहीं है। सर मैं डायरेक्टली ढाडे को आया, तो तुसी जिहड़ियां टिप्स एंड ट्रिक्स दित्तियां उन्होंने करके ही मेरे बैंड आए ने। मैनू क्लासेस दे विच जिहड़ियां टिप्स एंड ट्रिक्स सानू मिलदियां ने वो बहुत वधिया तुसी एक्सप्लेन करते जी। एक्सप्लेन करने दे नाल नाल उन्हों किदां अप्लाई करना तुसी आ भी दस दे जी, जिहड़े नाल कि काफी ज्यादा डाउट्स दूर हो जाते हैं। तो एंड दी ते लास्ट ते जिहड़ा एक डाउट सैक्शन हुंदा जिहदे विच कल्ले कल्ले दा डाउट पुछा जाता है, वो सैक्शन सर सब तो वधिया लगता है मैनू, क्योंकि उहदे विच की हुंदा जिहड़े भी सानूं प्रॉब्लम्स वगैरह आउंदियां ने वो पहलां ही क्लीयर हो जांदियां ने। क्योंकि कदी कदी की हुंदा है आपां जिहड़ा डाउट सानूं नहीं होंदिया हुंदा दूजिया नूं आ जांदा, ते जदों आपां दूजिया दे डाउट्स सुणदे आ ते उहदे नाल साडे डाउट्स वी क्लीयर हो जांदे ने, ते उहदे नाल साडा वी इंप्रूव हुंदा है। ते जिहड़ा सर उही कहूंगा कि लास्ट ते जिहड़ा डाउट सैशन आ उह मेरे लई इक पॉजिटिव चीज़ रहा, उहदे करके ही मेरे बैंड आए ने। जिद्दां तुसीं कहिंदे कि होमवर्क करके आउणा वा ते कैमरा ऑन करना वा, इह चीज़ां डिसिपलिन दे विच आउंदियां ने जिहदे नाल कि आपां इको डायरेक्शन दे विच चलदे रहिंदे आ। जे आपां इहनां चीज़ां नूं ना फॉलो करिए तां उहदे नाल आपां फोकस नहीं कर सकदे पीटी दे। ते जिद्दां ही नोटिफिकेशन आई ते मेरी हार्ट बीट वध गई, हार्ट बीट मैं थोड़ा जिहा ना डर गया कि हुण की होएगा, मेरे किन्ने बैंड आए होणगे किदां किदां। ते उदां मैं नोटिफिकेशन ते क्लिक कीता ते मैं पीयरसन ते लॉगिन कीता, ते लॉगिन करके जदों मैं अपनी रिपोर्ट वेखी ते सब तों पहलां 75 वेखे मैं, क्योंकि सब तों उपर 75 दा ओवरऑल दा सैक्शन हुंदा, ओवरऑल 75। ते उह वेख के मैनूं थोड़ी जी शांति होई, चलो ठीक है मेरे ओवरऑल आ गए ने जिन्ने मैनूं चाहीदे सी। फिर उस तों बाद मैं स्क्रॉल डाउन करके मैं कल्ले कल्ले ते चैक कीता ते मेरे सारे विच 70 ते प्लस आए सी, तां मतलब कि सारे दे विच मेरी रिक्वायरमेंट पूरी। तां सर मैनूं बहुत खुशी होएगी, चलो कोई जिते अज पॉजिटिव होया। सर पीटी बहुत ईजी है, जे साडे कोई वधिया गाइड करने वाला होए, जे साडे कोल वधिया टिप्स एंड ट्रिक्स होणगियां, ते एक मंथ काफी आ, 4 वीक्स इनफ आ, जे आपां नूं चंगी तरह यूटिलाइज कर पाईए, ते जे आपां टाइम टू टाइम होमवर्क करिए, जे आपां प्रैक्टिस करिए, ते मैनूं लगदा एक मंथ बहुत ज्यादा टाइम है पीटी ते लई। सब तो पहला रीड अलाउड होंगे ने, उहदे विच तां चलो मैं ठीक किया, मैनूं लग्गिया मैं ठीक किया रीड। ते उस तों बाद रिपीट सेंटेंसिस दे विच मैं पहले दो मिस करते सर, पहले दो मैं कैच नहीं कर पाया कि इन्होंने की किया, क्योंकि थोड़ा जा मेरा हेडफोन की पोजिशनिंग गलत हो गई जब मैं रीड अलाउड बोलता पाया सी ते मैनूं नहीं सुनिया। पर उस तों बाद जो सर तुसीं एक ट्रिक दसी कि जे तुसीं नहीं कैच कर पाते, तो मैं वो ट्रिक अपलाई की, तो ट्रिक अपलाई करके मैं नहीं फिर सोचा कि मैं गलत आ जां सही आ, मैं उन्हूं इग्नोर करके मैं अगे अगे मूव करता गया। तो उहदे नाल की होया कि उहदे नाल मेरे स्कोर आ गए। जे मैं उही जिहड़ी ट्रिक तुसीं दित्ती जी ना अपलाई करदा तो शायद मेरे नाल बैंड आउंदे रीडिंग स्पीकिंग दे विचों। सर जे आपू अपने बैंड चाहिए ने तो सू डिसिपलिन च ही रहना पेगा, नहीं कि आप एक दिन होमवर्क किया दो दिन नहीं करा तो हमारे बैंड आ जाएंगे। आपू कॉन्टीन्यूअसली ही हाँ होमवर्क करना पेगा, कॉन्टीन्यूअसली ही जो भी तुम्हें टिप्स एंड ट्रिक्स दी कि अपलाई करनी है वो प्रैक्टिस करनी पेगी, कोई भी ऐप से ऐप यूनी से या पीटी टूल्स से, तो फिर ही हाँ बैंड आने। जे आप इनू थोड़ा लूज करा तो फिर कितना ना कि जे चांसिस घट जाते हैं डिजायर स्कोर आने। सर जो आप एग्जाम के इदा ही जावे बिना किसी टिप्स एंड ट्रिक्स तो सर उसके 50 पॉइंट लियाने भी बड़े ज्यादा औखे ने, जिदा मैंने लगता है कि 50 भी बहुत ज्यादा वड्डी गल है जे आप बिना टिप्स एंड ट्रिक्स तो जावे। पर जे आप पूरा प्रिपेयर होकर टिप्स एंड ट्रिक्स वधिया टिप्स एंड ट्रिक्स लैके जावे जिहड़ियां वर्क करन, तो सर फिर बैंड लियाने बहुत ज्यादा ईजी ने। सिंह पीटी की क्लासिस का एक जो लास्ट डाउट सैशन होंगे मैनू सर खुद परसनली बहुत वधिया लगता वा, तां करके सर मैनू लगता पीटी दे विच एक बार सिंह पीटी वाले को जरूर आउण ते अपने डिजायर स्कोर ईजली लै सकते हैं फिर बिना किसी डाउट तो या प्रॉब्लम तो। सर जे आप कलियां टिप्स एंड ट्रिक्स समझिए तां सर उहदे विच की हुंदा वा, उहदे विच आपां अपलाई तां कर सकदे आ, पर जदों सानूं कल नूं कोई प्रॉब्लम आउंदी आ कितना किते तां उह फिर साडी प्रॉब्लम अधूरी ही रह जाएगी, आपां कन्फ्यूज ही रहांगे। पर जिहड़ा डाउट सैशन हुंदा उहदे विच आपां पुछ सकदे आ ते उहदे नाल जिहड़े साडे डाउट्स हुंदे ने जे उह डाउट्स निकल जाण तां सर फिर आपां पूरा वधिया फोकस कर सकते हैं ते पूरी चंगी तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिहदे नाल लास्ट पॉइंट मैं दसांगा कि जिहड़ा क्लास दे विच हर एक बच्चे दा कैमरा ऑन करवाया जांदा है, 1-to-1 इंटरैक्शन करवाई जांदी है, इहदे नाल बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पैंदा है। क्योंकि जे जदों 1-to-1 इंटरैक्शन हुंदी है तां उदों आपां खुद बोलदे हां, जदों आपां खुद बोलदे हां जां खुद दसदे हां तां उहदे नाल सानूं भी पता लगदा कि आपां किन्ने वधिया कर रहे हां, ते नाल दे नाल सर तुहानूं भी पता लग जांदा कि बच्चा किद्दां प्रैक्टिस करदा पिआ जां उह किद्दां परफॉर्म करदा पिआ है। इहदे नाल तुसीं भी वधिया गाइड करदे जांदे हो कि किद्दां तुसीं अपनी प्रॉब्लम्स इंप्रूव कर सकदे जे ते कित्थे तुसीं लैक करदे पिए जे ते ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ।